मर्ज कीजिएगा। आप पहले चेकबॉक्स ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। चेकबॉक्स में आप तीन अलग अलग ले लीजिएगा इस तरह से, डे मंथ, और तीनों को नंबर में लीजिएगा, टेक्स्ट में मत लीजिएगा। है नहीं, हो सके तो आप कॉम्बो बॉक्स ले लीजिए, सही रहेगा, ठीक है। अब मैं तीनों दो दोनों तरीके बताता हूँ किस तरीके से होगा। और मैं यहाँ पे मान लीजिए कि लेबल में मैं डेट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मान लीजिए कि एक बटन के जरिए मैं करना चाहता हूँ। मैं बटन ले लिया यहाँ पे, उसके बाद हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। आप चाहो तो इस पे लेवल ले लीजिए ऊपर, डे मंथ एंड ईयर, तो सबसे पहले आप यहां कीजिए कि डिम डी कॉमा एम कॉमा वाई एज ए इंटीजर, और फिर यहां पे कीजिए डिम ठीक टी एज ए डेट। अभी आपके पास एक होता है यहां पे डेट पार्ट, नहीं डेट पार्ट नहीं होता, माफ कीजिएगा, डेट सीरियल होता है। डेट पार्ट होता है, डेट डेट सीरियल होता है, सर टाइम सीरियल और डेट सीरियल दो होते हैं। और उसकी स्पेलिंग क्या लिखता है, तो आपको एक्सेल वीबी फंक्शन आपको चाहिए ना, तो इससे बहुत अच्छा वेबसाइट है, वहां से आप देख सकते हो। यहां पे डेट एंड टाइम फंक्शन देखिएगा, ये रहा आपका डेट सीरियल, हाँ डेट सीरियल था, सॉरी ओके आ रहा ही है। डेट सीरियल में क्या आते हैं, ईयर मंथ और डे डालिएगा तो आपको डेट कन्वर्ट करके दिखाता है, ठीक है सर। तो आप एक काम कीजिए, टी सर इक्वल आपकी टू डेट स्क्रीन ईयर। थोड़ी स्लो चल रही है। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन थोड़ी सी स्लो चल रही है सर। सर आप यहां कीजिए टी इक्वल टू डेट सीरियल, और यहां पे आप वाई कॉमा एम कॉमा एंड टी लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और उसके बाद यहां पे डी इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वेल, फिर एम कॉमा मी डॉट टेक्स बॉक्स टू डॉट वैल्यू, देन वाई कॉमा मी डॉट टेक्स बॉक्स थ्री डॉट वैल्यू, देन मी डॉट लेवल वन डॉट कैप्शन, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं होती है इसलिए कैप्शन होगा,
इक्वल टू टी। सर वो टी में डेट सीरियल में आपने डी के जगह टी डाला है शायद। सॉरी यहाँ पे डी हो, डन प्ले कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं दिया आज की तारीख, मान लीजिए 14 तारीख, 8वां महीना एंड 2014 एंड डेट पे क्लिक किया, यहाँ डेट पे किया। ओके ठीक है या तो इसके फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं क्या? क्या हाँ, फॉर्मेट ये यूज कर रहा है ये एमएमबी आपको, तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए आपको फॉर्मेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मेट फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन टी कॉमा यहाँ पे डी डी स्लैश एम एन एम स्लैश एन वाई, जो कस्टम फॉर्मेटिंग को चीजें थी ना वो चीजें यहाँ पे आप डाल सकते। लेकिन याद रखिएगा जब फॉर्मेट पे आप अप्लाई कर दोगे तो फिर आपका टेक्स्ट बन जाएगा, डेट फॉर्मेट नहीं रहेगा फिर। ओके फिर आपको किसी डेट के वेरिएबल पे इसको असाइन करना पड़ेगा या फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट में। कन्वर्टिंग के लिए क्या यूज करते हैं सर? कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्ट सिंपल है कि आप इसको किसी, ये जैसे यहाँ पे देखिए ना टेक्स्ट बॉक्स में भी आपके जो है ये शायद ये टेक्स्ट ही है ना, हमने वेरिएबल इंटीजर पे डाल दिया लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में डालने की वैल्यू हमेशा टेक्स्ट में होती है, तो कन्वर्ट हो गया ना किसी वेरिएबल पे जो डेट की वेरिएबल है उस पर अपलोड कर दीजिए, हो जाएगा आपको कन्वर्ट। सिंपल है इसका कन्वर्ट हो गया। अब इसका जगह पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स लगाओगे तो सही रहेगा। हम आपकी जगह यहां पे मैंने वाई के लिए क्या डालना पड़ेगा, ठीक है सर? अब एक चीज और होता है एक्सेल के अंदर में, टाइमर। आप चाहते हैं कि यहां पे एक घड़ी चलता रहे, ओके, एक टाइमिंग, ठीक है? ओके तो चलिए हमने एक टाइमिंग का हम कुछ खेल करते हैं, यहां पे डाल देते हैं। तो हमारे पास एक्सेल के अंदर में एक होता है ऑन टाइम का मेथड, एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम। तो इसके लिए आप इसको एक्सेल में आप ढूंढ सकते हो। क्योंकि वो बैकएंड में एक बार हम इसको कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी घड़ी चला सकते हैं, लेकिन क्या होगा फिर एप्लीकेशन डॉट वेट पे लगाना पड़ेगा, मतलब कि वो हैंग, मतलब कि फ्रीज हो जाएगा, किसी और काम नहीं कर सकता। लेकिन एप्लीकेशन ऑन टाइम क्या होगा, ये चलता रहेगा बैकएंड में, अपना काम भी कर सकते हो। लेकिन इसको हमेशा हम क्या करते हैं, एक एक वेरिएबल पे लगा सकते हैं इसको, एक मिनट हम रूल्स में जाते हैं, सब्जेक्ट। इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरह का है, इसको हमेशा इस पे लगाया जाता है, एप्लीकेशन डॉट ऑन टाइम डॉट नाउ प्लस टाइम वैल्यू। तो एक एक सेकेंड का गैप, आप चाहते हो कितने सेकंड बाद चेंज हो, मैं बोला कि एक सेकंड बाद चेंज होना चाहिए। जो आपका प्रोड्यूसर है, एक प्रोड्यूसर की जगह पे इसका नाम आप टी टी डाल दीजिए, जो नाम है वो डाल सकते। ओके और उसके बाद मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल तैयार करता हूं, चाहे इसी में लिख देता हूं कि मी डॉट यूजर फॉर्म वन डॉट कैप्शन लेवल फाइव, सबसे लास्ट में लेवल है, डॉट कैप्शन इक्वल टू, मैंने यहां पे डाल दिया टी फॉर्मेट, यहां पे नाउ डाल दिया सबसे अच्छा नाउ, और उसके बाद मैं यूजर फॉर्म इन स्लाइड पे जाता हूं और यहां पे कुछ नहीं टी टी को कर देता हूं कि जैसे प्ले हो टी टी अपने आप रन हो जाए।
ठीक है। अब बाकी जो काम आप करना चाहते हो करोगे, साइड में चलता रहेगा। इसका यूज हम एक्सेल पे भी, इस पे अलग ही कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे आते हैं, एक बड़ा सा लेते हैं लेवल, और ए हमारा आता है स्टॉप एंड स्टार्ट एंड स्टॉप होता है। इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं और फॉन्ट में जाके इसको बोल्ड करते हैं और इसका साइज बढ़ा देते हैं। ओके यहाँ पे करते हैं सब्जेक्ट, आर आर स्लैश वन, या यहाँ पे करते हैं एस टी सेन, यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन डॉट, यहाँ पे प्रोड्यूसर हो जाएगा आपका एस टी और यहाँ पे आपका आ जाएगा हर एक सेकेंड पे, यहां हो जाएगा यूजर फॉर्म टू डॉट लेवल वन डॉट कैप्शन इक्वल टू NOW नाउ। और घड़ी को स्टॉप करने के लिए भी एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा EN, ये सारा ये आएगा आपका। लेकिन स्टॉप करने के लिए इसमें कुछ चीजें डालते हैं, कुछ इसमें मेथड होता है, उसको आप मानना पड़ता है प्रोड्यूसर्स। ये देखिए लास्ट टाइम एंड शेड्यूल, इसमें कुछ ट्रू एंड फॉल्स का मेथड दिया जाता है। शेड्यूल फॉल्स किया हुआ है नीचे, वो तो मुझे दिख रहा है, चलिए इसी को करते हैं। यूजर फॉर्म पे इस टुल्लक बटन पे आते हैं और सबसे पहले तो मैं करता हूं यहां पे इफ मी डॉट टुल्लक बटन वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो देन मी डॉट टुल्लक बटन वन डॉट कैप्शन इज इक्वल टू स्टार्ट एंड डन, क्या होगा आपका ये एल्स यहाँ पे ईडी एस टी यहाँ कैप्शन हो जाएगा एन स्टॉप और यहाँ हो जाएगा आपका
एंड पुल आउट एंड क्या होता है सर, देखिए जब हम इसको रन करते हैं, एक मिनट, सबसे पहले जब फॉर्म इनिशियलाइज होगा तो इनिशियलाइज पे आप लगा दीजिए ताकि वो स्टार्ट आए बाय डिफॉल्ट। डॉट पुलअप बटन वन डॉट कैप्शन वन डॉट कैप्शन इक्वल टू यहां पे आना चाहिए। आया, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपका देखिए स्टार्ट आ रहा है, तो ये इस तरह से रहेगा। मतलब कि एक क्या होता है, जब आपने क्लिक किया तो इसका रिजल्ट वन आ जाता है, अगर मैं इसको वापस अनक्लिक करूं तो इसका रिजल्ट वन टू आ जाता है। तो यहां पे दिक्कत आ गया है कि जब स्टार्ट हुआ तो ई एन जो है आपका एंड वाला मेथड आपको यहां पे गड़बड़ दे रहा है। हाँ नहीं, काम चल तो रहा है। स्टॉप है ना, स्टॉप दोनों पे चल रहा है सर। दूसरा वाला पे वो ट्रू है फॉल्स का मेथड है उसमें, हाँ, ये आपका नीचे और ये जो है ना ये नहीं चल पा रहा। ये आपका जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल टू है, अगर इसको जब मैं फॉल्स कर देता हूँ तो ये एरर देता है, एरर को देता है। बैकेंड में चल रहा है पूरा प्रोसेस। इसी मेथड को सर समझना है कि ऐसे बोल, ओके ओके, यहां देखिए टाइम वैल्यू ये दिक्कत आ गया सर, इसी में दिक्कत हो रहा है। मैं चेक नहीं किया था ना। ओके कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें से। सर इस पे मैं आपको आरएनडी करके बताऊंगा कि क्या है, लेकिन मुझे पता है शेड्यूल फॉल्स और टूल्स में ये टू एंड फॉल्स करने से सही हो जाता है। ओके या ऐसा तो नहीं कि लास्ट टाइम सर कोई ऐसा टाइमर बना सकते हैं क्या जो प्रोसेस चालू होते ही स्टार्ट हो गए और बाद में बंद हो गया? बंद तो गया ना आपका ये,
टाइमर बना नहीं, हुआ बट है ये ना उसको? सिस्टम टाइम पे चल रहा है ना सर, सिस्टम टाइम ही? अच्छा आप चाहते सिस्टम हो टाइम पे कि चल रहा है ना। नहीं, आप चाहते कि आपका मिनट दिखाते रहे ना? हाँ हाँ तो कर सकते हैं हम इस पे। यहाँ पे जो हमने ये डाला हुआ है यहाँ पे कि नाउ का डाला हुआ है, इसमें नाउ, आप मिनट ऐड कर दीजिए, हाँ इसमें आप यहाँ कर पे दीजिए क्या इस तरीके डाले? से, इस तरीके से कीजिए। सुनिए इसमें कीजिए, आपको अगर खुद का करना है तो देखिए, टाइम टाइम में 0, 0, 0, 0 और इसमें आप प्लस कर दीजिए। नहीं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, टी प्लस टाइम 0, 0, 1 सेकेंड, ठीक है? और यहां पे ये दीजिए टी क्या इन, था? हाँ टी एज टी ए, को डिफाइन करना बताता पड़ेगा। हूं आपको क्या है टी एज ए, टी एज ए डेट एंड टाइम, टी इक्वल टू ठीक है सर। ओके। एक मिनट, यहां पे हम देना होगा टी एज ए डबल ओके, वो टाइम सीरियल होता है। अच्छा हम गलत, यहाँ मुझे टाइम सीरियल डालना होता, हमने यहाँ एक छोटी सी गलती कर दी थी, यहाँ मुझे डालना चाहिए था टाइम सीरियल। फिर भी कोई बात नहीं, टाइम वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा। को फॉर्मेट ले लो, फॉर्मेट फॉर्मेट, इसके अंदर में आप दे दीजिए और टी कॉमा यहां पे एच एच एम एम एन एस एस। ठीक है सर, 1 मिनट, इसमें मुझे दिखा नहीं सर। वो सर टाइमर एंड नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, इसको रन करके वो एंड करना पड़ेगा।
अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? टी की वैल्यू को अगर हम लोग उसको असाइन करें तो एक मिनट, इसमें फॉर्मेट में चेंज कर दिया क्या सर? क्या सर? फॉर्मेट चेंज किया क्या इसको? हाँ, फॉर्मेट तो फॉर्मेट के जरिए वो किया मैंने। वो टेक्स्ट था ना, लेवल वन लिखा हुआ था फर्स्ट टाइम में, लेवल वन में प्लस टाइम तो नहीं हो सकता ना। ओके, तो उसको लेबल को, वो कैप्शन को ये फॉर्मेट में अरेंज कर दिया ना आपने? हाँ हाँ अब यहाँ देखिए, देखना है 60 के बाद 61 तो नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो देखना है। लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होता, एज पर थ्योरी कर ही नहीं होता, लेकिन क्या कहें सर, कुछ भी हो सकता है। एक्सेल में हमने फॉर्मेट में चेंज किया है ना, उसका फॉर्मेट फॉर्मेट में ले किया रखा है है। तो नहीं होना चाहिए। हमने फॉर्मेट के अंदर डाल रखा है टी को सर, चेंज कर कभी तो ऐसा आ रहा है, हाँ मतलब तो डेसिमल्स में आता। हाँ सही है, आ गया। ठीक है सर। या सर अब एक काम करना है कि स्टॉप करते ही यहां पे होना चाहिए। अब स्टॉपिंग वाला जो पॉइंट है अभी इसको सही करना है, स्टॉपिंग पॉइंट। तो इसके लिए एक यहां पे आ रहा है लास्ट टाइम। आप ये जो एरर एरर जो आप रिजॉल्व करते हो ना सर, वो नहीं हो पाता मेरे से। फिर बुक उठाओ या तो ऑनलाइन सर्च करो, ऐसे करना पड़ता है हर बार। क्या सर? जैसे आप एरर अभी ऑप्शंस देख देख के कर रहे थे ना, मतलब कुछ आइडियाज यूज करके, वो मेरे से हो नहीं पाता। फिर मैं ऑनलाइन चालू हो जाता हूँ या तो फिर बुक्स में देखना चालू करता हूँ, ऐसा होता है। सर देखिए, अगर उसमें होता है कि ऑब्जेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके मतलब तो मुझे प्रोसीजर टू लार्ज आया सबसे पहले। तो प्रोसीजर टू लार्ज में क्या है हाँ कि उसमें हमने देख लिया कि इसके अंदर में मतलब कि ये है टाइप मिसमैच था, टाइप मिसमैच आया
तब समझ गया कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो मैंने मतलब मैं जो वेरिएबल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बेस होता है, उसको हम सही कर लेते हैं। एक और दिखाते हैं, स्टार स्टार तो चल गया, स्टॉप नहीं चल रहा है। लास्ट टाइम मैंने डिफाइन कर रखा है, फिर क्यों नहीं चलने लगा। इसी में सर सेम सबका सेम होता है, इसी में कुछ शेड्यूल को ही कुछ करते हैं ऐसा, ट्रू एंड फॉल्स। बाद में बता दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। इसी में कुछ ट्रू एंड फॉल्स करते हैं सर। मेथड ऑन टाइम ऑब्जेक्ट अप्लीकेशन फेल, मतलब इसका जो कोई ऐसा ए है मीडियम है जो कि फेल हो रहा है। एक मिनट, हमारे पास गूगल में एक है एग्जांपल, उसको हम स्टार्ट स्टॉप के लिए अभी क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब आपका घड़ी स्टार्ट होगा तो उस ग्लोबल वेरिएबल पे टाइम जो है डालते चले जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा दूसरा आप एक मैको बनाइए जिसमें ऑन टाइम ही रन कीजिए, और स्टार्टेड टाइम जो है वो आपका T1 हो जाएगा। मतलब कि जो टाइम पे फिनिश हो रहा है आपका मैक्रो उसी पे फिनिश करना है आपको, और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर मतलब कि जो आपका मैक्रो नेम है वो इस मैक्रो नेम नहीं, आपको इसी मैक्रो को नेम करना है, और लास्ट टाइम में आपको फॉल्स करना है। मतलब इसी इसी प्रोग्राम ये तो ए आपको जो SD है इसको तो हर सेकंड में रन कर ही रहा है। जब क्लिक करे तो मैं इसको दोबारा रन करूंगा और शेड्यूल को फॉल्स कर दूंगा। क्या होता है जो अब जब ये चलता है हमारा एप्लीकेशन से, ट्रू शेड्यूल ट्रू है, मतलब कि ये क्या कर रहा है ऑन टाइम आपका। ये ऐसा नहीं कि टाइम दिखाता है, ऑन टाइम करता है कि हर सेकेंड में आपका इस ST को रन कर देता है, एवरी सेकेंड में। ST से नीचे जितने भी एप्लीकेशन है उसको रन करते चले जाता है। और फिर मैंने यहाँ पे टाइम वैल्यू उसकी जब जब भी रन होता है तो ये नीचे का कोड रन होता है तो हर बार T1 को मैं अपडेट कर देता हूँ। T1 एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको मैं नीचे भी कॉल कर सकता हूं, और स्टॉप करने के लिए नहीं, जिसकी बट ये यूनिट नाउ है में प्लस करनी करने कॉल। पे वो कैसे? क्या बोल रहे सर? नहीं ठीक है सर, समझ में आ गया मैं है ना सर, तो एक क्लॉक वाली फाइल थोड़ा बहुत। भेज रहा हूँ आपको। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसकी नेट के स्पीड के कारण। मैं एक काम करता हूँ कि हाँ दोनों फाइल भेज रहा हूँ जो अभी मैंने लगाया है टाइम वाला, और जो मैंने ठीक है सर, डाउनलोड किया है क्लॉक चा, दोनों को मैं आपको मैं मेल कर रहा हूँ। आप इस पे आगे जो है अपना काम कर लीजिएगा, चलेगा ठीक है सर। दोनों आपको मैं भेज रहा हूँ। आज थोड़ी ठीक है सी सर, आप नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस सेव कारण से लग रहा है कि रिकॉर्डिंग भी भेज दिक्कत दीजिए। है। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूँ।